गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर टॉपिक इज मॉडल्स। जो आज का आपका टॉपिक है वो है मॉडल्स। मॉडल्स पढ़ने से पहले हमें मॉडल्स की डेफिनेशन जाननी जरूरी है कि मॉडल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मॉडल्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए मॉडल्स की। मॉडल्स आर ऑल्सो नो एज मॉडल ऑक्सिलरीज कैन कुड मे माइट। ओके, मॉडल्स क्या है? मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैं। Can, could, may, might, will, would, shall, should, are, and, ought to are called models. ये सारे क्या हैं बेटा? Models हैं। Okay students, दोबारा सुन लीजिए definition. Models are also known as models auxiliary. Can, could, may, might, will, would, shall, should, and, ought to are called models. Okay? अब देखिए बेटा models का use हम क्यों करते हैं? मॉडल्स का क्या यूज है? दे आर कॉल्ड मॉडल्स ऑक्सिलरीज बिकॉज दीज आर यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन मूड्स। हम हमारी मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए ही, एक्सप्रेशन करने के लिए ही किसका यूज करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं। देखिए आपके कुछ हैं, जैसे फॉर्मल परमिशन के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी। किसके लिए? मेन परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इन सब चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? मॉडल्स का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा सबसे पहले यूज ऑफ कैन। कैन का क्या यूज होता है? कैन का क्या यूज होता है? आपके मॉडल्स मैंने आपको बता दिए, कैन, कुड, मे, माइट, will, would, shall, should, and ought to are called models. ये सारे क्या हैं बेटा? आपके models हैं। Okay students, अब देखिए use of can. Can का क्या use होता है? The meaning of can is possibility of being. Meaning क्या है can का? Can का meaning ये है कि possibility, हो सकता है, सकना, इसका means है सकना, कि हम possibility होती है किसी चीज की, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। इट इज यूज प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। कैन किसके लिए है? प्रेजेंट टेंस के लिए। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। कैन किसके लिए है? प्रेजेंट टेंस के लिए। ओके, कैन का यूज देखो बेटा किसके लिए होता है? एबिलिटी के लिए होता है, कैपेसिटी के लिए होता है, और पावर के लिए होता है। ओके, किसके लिए होता है? एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए। ओके, इन तीन चीजों के लिए कैन का यूज होता है। अब देखिए बेटा कैन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। आई कैन टीच इंग्लिश, ये क्या है? मेरी एबिलिटी है। ये क्या है? मेरी एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश। ओके, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए बेटा सेकेंड आपका जो एग्जांपल है वो देखिए, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, ये क्या है? उसकी कैपेसिटी है। क्या है बेटा? कैपेसिटी, कि वो देख नहीं सकता। हमने इसमें नेगेटिव सेंस में सेंटेंस बनाया है, तो उसमें देखिए ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, कि वो देख नहीं सकता, ये उसकी क्या है? कैपेसिटी है कि वो नहीं देख सकता है। के लिए हमने किसका यूज किया है? कैन का यूज किया है। ओके, ये नेगेटिव सेंस में तो नॉट आए। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वाला एग्जांपल है वो देखिए आप, वी कैन क्लाइम अप दिस हाई ट्री, ये क्या है? उसकी पावर है कि वो पेड़ पे चढ़ सकता है। वो पेड़ पे चढ़ सकता है बेटा, ये उसकी क्या है? पावर है। क्या है बेटा? पावर है। अब जो अगला आपका फोर्थ एग्जांपल है वो देखिए, आई कैन लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं ये हैवी बॉक्स उठा सकता हूँ, मैं ये हैवी बॉक्स उठा सकती हूँ। इसके लिए क्या है? स्ट्रेंथ है। ओके, ये क्या बता रहा है? कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में क्या है? ये स्ट्रेंथ है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये चारों एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैन का यूज हम किसके लिए करते हैं। हम अपने मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं। उसमें मैंने आपको सबसे पहले किसका यूज बताया? कैन का यूज बताया। ये आपके एग्जांपल्स है कैन के। अब देखिए बेटा यूज ऑफ कुड,
क्या यूज होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। ये तो प्रेजेंट है और ये क्या है? पास्ट। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने लिखा है कुड इज यूज्ड एज पास्ट टेंस। कुड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है ऑफ कैन। कैन के पास्ट, कैन का पास्ट हम क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल देखिए आप लोग। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, आई कुड क्लाइम ए ट्री, मैं पेड़ पे चढ़ जाता था। कि वो अपनी पहले की बात बता रहा है, किसकी बात बता रहा है? पास्ट की, कि मैं क्या करता था, पेड़ पे चढ़ जाता था। आई वॉज ए बॉय, जब मैं एक लड़का था। तो हम क्या समझते हैं इस चीज से, कि कैन का कुड क्या होता है? पास्ट होता है और आपकी सेम ही सिचुएशन रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी क्या रहती है? और सारी सिचुएशन बिल्कुल सेम रहती है। ओके, अब देखिए बेटा, यूज ऑफ मे, मे का यूज हम कहाँ करते हैं? ओके स्टूडेंट्स, यूज ऑफ मे, मे इज यूज्ड इन प्रेजेंट। हम प्रेजेंट टेंस के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। और मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। ओके, तो मे किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, टू गिव और टेक परमिशन फॉर्मली, हम फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए और देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल ले सकते हैं, मे आई कम इन सर। हम क्लास में परमिशन लेने के लिए किसका यूज करते हैं? मे आई कम इन सर। तो इसमें हमने किसका यूज किया? मॉडल मे का यूज किया। ओके, ये क्या है? फॉर्मल परमिशन है। फॉर्मल परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। अब देखिए, और किस किस में मे का यूज होता है? टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, कि हम पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज करते हैं, यानी संभावना, संभावना के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी किसी चीज की हमें संभावना लगती है, तो हम उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में बहुत सारे बादल हैं। इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। ये क्या है? संभावना है। इसके लिए किसका यूज हुआ है? मे का यूज हुआ है। ये क्या है बेटा? संभावना है। श्योर नहीं है हम इस चीज के लिए कि बारिश हो ही जाएगी, कि हम बता रहे हैं ये संभावना, हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि बारिश हो सकती है आज रात को। तो ये हमने किस चीज के ऊपर डिपेंड किया? क्लाउड्स के ऊपर डिपेंड करके हमने क्या कर दिया इस सेंटेंस को? इस सेंटेंस में किसका यूज किया है? मे को, संभावना के लिए। ओके, अब देखिए थर्ड आपका, टू एक्सप्रेस विश। टू एक्सप्रेस विश, हम कोई विश के लिए किसी विश के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। किसके लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल, मे द न्यूज बी ट्रू, ये न्यूज है वो सच हो सकती है, सत्य हो सकती है। ये क्या है बेटा? विश है, कि ये मैं चाहती हूँ कि ये न्यूज सत्य हो जाए, है ना, कि संभावना लग रही है इस न्यूज की कि ये सत्य हो जाए। ये मेरी क्या है? विश है, मेरी ख्वाहिश है कि ये क्या न्यूज क्या हो जाए? सच हो जाए। तो हम ख्वाहिश के लिए, विश के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, यूज ऑफ माइंड, कि माइट के यूज क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। मे का पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट क्या होता है? मे का माइट होता है। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए माइट का यूज हम कहाँ करते हैं वो देखिए आप। फर्स्ट टेंस में, टू आस्क परमिशन वेरी पॉलाइटली, हम बहुत ही विनम्रता से किसी से परमिशन ले रहे हो, तो हमें किसका यूज करना चाहिए? माइट का यूज करना चाहिए। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? ये एकदम पोलाइट क्या है? रिक्वेस्ट है।
पोलाइट परमिशन बोल दो इसको कि ये क्या है, पोलाइटली एकदम परमिशन ले रहे कि हम तुम्हारा पेन यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, इट इज यूज्ड एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ द पास्ट. हम इसका माइट का यूज किस लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, वो पास्ट टेंस की होनी चाहिए. तो प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं हम? माइट का यूज करते हैं. तो और पास्ट में किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट में हम सॉरी मे का यूज करते हैं और पास्ट में किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं. ओके, किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए. अब जो अगला है वो देखिए, इट इज यूज्ड ए वेरी लिटिल और रोमेंट पॉसिबिलिटी इन नियर फ्यूचर. कि एकदम नियर फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? माइट का ही यूज करते हैं. ठीक है बेटा, नियर फ्यूचर के लिए जो ये पॉसिबिलिटी होती है आपकी, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, टेक ए टैक्सी. कि टैक्सी ले लेना, यू माइट कैच द ट्रेन, ताकि तुम ट्रेन पकड़ सको. ठीक है, तो हमने क्या बताई है, संभावना बताई है. फ्यूचर के पास में क्या है, ये संभावना है, फ्यूचर की बात हो रही है. ठीक है, उसमें फ्यूचर की संभावना बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी इन नियर फ्यूचर. कि एकदम फ्यूचर के बिल्कुल पास की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं. समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड. टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन. ओके, ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड. अब देखिए बेटा, यूज ऑफ विल. विल का क्या यूज होता है? इट यूज फॉलोइंग द सेंस ऑफ आई और वी. आई और वी के सेंस में किसका यूज होता है? विल का यूज होता है. किसके लिए? आई और वी. आई और वी के सेंस में किसका यूज होता है? विल का यूज होता है. अब देखिए, विल का यूज कहाँ कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस प्रॉमिस. हम किसी से प्रॉमिस कर चुके हैं, इसके लिए भी किसका यूज होता है? विल का यूज होता है. हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल एकम्पनी यू टू जयपुर. कि मैं तुम्हें जयपुर के लिए कंपनी दूंगा. ओके, क्या बोला इसने, क्या किया इसने? प्रॉमिस किया है. ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? प्रॉमिस एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं तुम्हें जयपुर के लिए कंपनी दूंगा. सेकेंड आपका बी, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय. क्या होता है? दृढ़ निश्चय. दृढ़ निश्चय यानी क्या करना? आई विल गो टू आगरा. एग्जाम्पल है, आई विल गो टू आगरा. कि मैं आगरा जाऊंगा. उसने ऐसा क्या कर लिया? दृढ़ निश्चय कर लिया. तो डिटर्मिनेशन के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे. ओके, सी वाला है आपका, टू एक्सप्रेस थ्रेट. थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना. क्या होता है? धमकी देना. हम किसी को धमकी देते हैं उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? विल का यूज करना है. ओके, आई विल अरेस्ट यू. आई विल अरेस्ट यू, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा. आई विल अरेस्ट यू. तो यहाँ पे आई विल किसके लिए यूज हुआ है? धमकी के लिए यूज हुआ है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा. ओके, अब देखिए डी वाला है आपका, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस यानी इच्छा. विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? इच्छा. इच्छा के लिए भी हम किसी के सामने अपनी इच्छा जागृत करते हैं, प्रकट करते हैं उसके सामने, तो भी उसके लिए भी किसका यूज होता है? विल का यूज होता है. देखिए विल का एग्जाम्पल है इसमें विलिंगनेस के लिए, आई विल ज्वाइन द आर्मी आफ्टर टू ईयर्स. मैं 2 साल बाद में आर्मी ज्वाइन करूंगा. तो यहाँ पे विल किसके लिए यूज किया मैंने? विलिंगनेस के लिए. किसके लिए यूज किया है? विलिंगनेस के लिए. ओके, आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम और मॉडल्स के बारे में जानेंगे. ओके फ्रेंड्स.